नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की दूसरी पारी में भी प्रदेश को अपराध प्रदेश बनाने की प्रक्रिया चालू है। भाजपा प्रदेश में अराजकता और व्यवस्था को इसलिए बढ़ावा देती है ताकि लोग असुरक्षित में तनावपूर्ण जिंदगी जीने को बाध्य हो। अखिलेश ने रविवार को जारी बयान में कहा कि गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा में दिन दहाड़े लूट की घटनाएं हो रही है। झूठे विज्ञापनों और भाषणों से भाजपा नाकामियां ढकने का काम कर रही है, लेकिन सच को कब तक छुपाएंगे? जनता जानती है कि सत्ता संरक्षित अपराधी ही जब खुले आम वारदातें कर रहे हैं तो उन पर लगाम कौन लगाएगा। लॉकर तक से चोरी हो रही है, अब जनता ब्लैक लॉकर में रखे जरूरी कागजात और जेवर की सुरक्षा को लेकर भी बेहद चिंतित है। गाजियाबाद में पुलिस की नाक के नीचे पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट सांठगांठ की घंटी बजा रही है। बैंक से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित कोतवाली स्थित है, फिर भी पुलिस 20 मिनट देरी से पहुंचे। लुटेरे बैंक में 15 मिनट रहे और दो पुलिस चौकियों के बीच आराम से लूट के लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा राज में ना कानून का डर है ना पुलिस का खौफ, प्रदेश में सिर्फ जंगल राज है। जिस सरकार में बैंक तक सुरक्षित नहीं, वहां आम आदमी की सुरक्षा का प्रश्न ही बेमानी है। भाजपा जिस तरह प्रशासन को पुंग बना रही है, उसे सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? प्रदेश में बढ़ रही अराजकता के लिए भाजपा अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है।